कर्नाटक चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रधानमंत्री ने भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में कई रैलियां की। बंगारपेट में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विदाई तय है, कांग्रेस 6 बीमारियों से ग्रसित है। मोदी ने कहा कि यह चुनाव किसी भी पार्टी की हार या जीत के लिए नहीं, बल्कि आगामी 5 सालों में कर्नाटक के विकास के लिए है। 8 साल के अंदर ये कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, लोकतंत्र को नोच लिया, तबाह कर लिया। कांग्रेस की नीतियों का मतलब है, कांग्रेस की नीयत का मतलब है, कांग्रेस के कल्चर का मतलब है, कांग्रेस के कारनामों का मतलब है। 6 बीमारियों से कांग्रेस ग्रसित है। जहां जाती है ये 6 बीमारियों का वायरल पूरी तरह फैला देती है। कर्नाटक चुनाव से पहले एक फ्लैट में बड़ी संख्या में फर्जी वोटर आईडी मिलने के मामले में कांग्रेस और भाजपा ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। भाजपा ने आरोप लगाया कि जिस अपार्टमेंट से वोटर आईडी मिले हैं वह एक कांग्रेसी नेता का है और कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए बेईमानी पर उतर आई है। इसके बाद भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सबूतों के साथ दावा किया कि नंजामुरी भाजपा की पार्षद हैं और ये चुनाव जीतने के लिए भाजपा की करतूत है। जबकि कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक चुनाव में भाजपा के प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मंजुला नंजामुरी का भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, वह 6 साल पहले ही पार्टी छोड़ चुकी हैं और कांग्रेस नेता बिना सबूत उनकी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। वंस अगेन मिसलीड लाई एंड रन देयर फैक्ट्री ऑफ लाइज बाय सेइंग दैट हर सन राकेश हु द इलेक्शन कमीशन सेज वाज अ टेनेंट ऑफ फ्लैट नंबर 115 वेयर ऑल दीज आइडेंटिटी कार्ड्स वर फाउंड आल्सो डिड नॉट बिलोंग टू बीजेपी। आई हैव द बीजेपी लिस्ट ऑफ 2015। मिस्टर जावेडकर, मिस्टर अमित शाह, प्लीज कम एंड सी दिस लिस्ट। हमारा मिडनाइट ड्रामा नहीं था, लेकिन उन्होंने मिडनाइट क्लाइमेक्स करने की कोशिश की। समझना चाहिए कि मंजुला पिछले चुनाव से ही कांग्रेस में है और मुनिरत्ना जो वहां के एमएलए इनका प्रचार भी उन्होंने किया है और शी हैज लेफ्ट बीजेपी 6 इयर्स अगो। चारा घोटाले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अपने बेटे की शादी में शामिल होंगे। लालू यादव को 5 दिन की पैरोल मिली है। लालू की पैरोल के संबंध में जेल सुपरिटेंडेंट ने 9 से 14 मई तक पैरोल की सशर्त सिफारिश की थी। इसके बाद लालू यादव की पैरोल फाइल महाधिवक्ता को भेजी गई थी, जिन्होंने उसे मंजूरी दे दी। मंगलवार देर रात मेडिकल बोर्ड ने भी यात्रा के लिए लालू यादव को फिट करार दे दिया। 12 मई को लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव की शादी है। जिन्ना को लेकर देश भर में चल रहे विवादों के बीच एएमयू के कुलपति ने इस विवाद पर बयान दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति तारिक मंसूर ने कहा कि कॉलेज में जिन्ना की तस्वीर बीते 80 साल पहले से लगी है और इसे लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। उन्होंने अन्य स्थानों पर भी जिन्ना की तस्वीर होने का हवाला देते हुए इस मामले को तूल नहीं देने की बात कही। अभी पोर्ट्रेट जो है 1938 से लगी हुई है, कोई नई पोर्ट्रेट नहीं लगी है। हमने कोई लगवाई हुई पोर्ट्रेट या इस टाइम किसी आदमी ने लगवाई हो, जो पोर्ट्रेट 80 साल से लगी हुई है तो वहाँ भी बहुत सी पोर्ट्रेट्स लगी हुई हैं। हमें तो पता भी नहीं था कि पोर्ट्रेट लगी हुई है उनकी। और जिन्ना की पोर्ट्रेट जो है वो एक नॉन इशू है, इसलिए कि जिन्ना की पोर्ट्रेट जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में भी लगी हुई है, साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी के साथ भी लगी हुई है। जो चीज़ 80 साल से लगी हुई है और किसी ने ध्यान नहीं दिया, एकदम से उसको क्यों मामले को उठाया जा रहा है? मैं तो नहीं समझता कि इसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले रामायण के एक प्रसंग को लेकर वायरल हुए वीडियो पर अब सियासत तेज हो गई है। 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर अपलोड हुए इस वीडियो को लेकर कांग्रेस के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के वीडियो भाजपा की नीच मानसिकता को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस विकास और अन्य मुद्दों को लेकर मैदान में है, वहीं भाजपा इस तरह के वीडियो डालकर कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इन वीडियो से कहीं ना कहीं भाजपा की जो बहुत ही नीच किस्म की मानसिकता है वो सामने आ रही है। इधर कांग्रेस पार्टी बात कर रही है विकास के बारे में, बात कर रही है परिवर्तन के बारे में, बात कर रही है महिलाओं के अत्याचारों के बारे में, बात कर रही है किसान के विकास के बारे में,
वहीं भाजपा पूरा दम लगा रही है ऐसे चीप वीडियोस डिस्प्ले करने में। तो मैं इन वीडियोस की निंदा करता हूं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।